कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन है शोले यानी सच। 32 साल पुराने जिन दो व्यक्तियों के अपहरण कांड में जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए हैं, वारंट की अवधि में उन्हीं में से एक की बेटी की शादी में दूल्हा पक्ष से 17 फरवरी को पप्पू यादव मुख्य अतिथि बने थे। वर वधु को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। आज इस प्रकरण के बाद वे चुप हैं। हालांकि दूसरे अपहृत राजकुमार यादव अब मीडिया के समक्ष आए और इसे कन्फ्यूजन का केस करार दिया है। वे कहते हैं कि उमाकांत यादव बहुआ जी के ससुर हैं। उमाकांत यादव इस केस के संबंध में कुछ भी नहीं बोलना चाहते। 2 दिनों से जब से यह प्रकरण काफी तेज हुआ है, वो किसी से बात तक नहीं कर रहे। दरअसल उमाकांत यादव उर्फ उमाकांत राय की बेटी रूपम की शादी मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी के पुत्र श्वेत कमल उर्फ बहुआ यादव से 17 फरवरी 2021 को मधेपुरा स्थित जिला परिषद आवास पर हुई थी। श्वेत कमल कभी पप्पू यादव के खासम खास हुआ करते थे। इस शादी में पप्पू यादव प्रमुख अतिथि के रूप में खास तौर से शामिल हुए थे। अब राजकुमार यादव कहते हैं कि ऐसा मामला नहीं था। वे बताते हैं कि उस दिन जब पप्पू यादव की गाड़ी में हम लोग बैठ कर गए, तो लोगों को लगा कि अपहरण कर लिया गया है। उसी दिन वे लोग पप्पू के पास से निकलकर मधेपुरा आ गए, लेकिन एक केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।